हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है, हाइड्रोजन ट्रेन करीब करीब बन चुकी है और दुनिया में कुल मिला के 3-4 देश ही हैं, शायद मेरी जानकारी में तो 2 ही थे, कल पता चला कि यूके ने भी अभी एक ट्रायल हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, तो कल यूके के सारे MPs आए थे तो वो लोग बता रहे थे, तो अभी दिसंबर तक अपनी हाइड्रोजन ट्रेन भी बन जाएगी। वो लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि देखो हिंदुस्तान कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बना। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के साथ डील कर रहा है, ताकि आने वाले समय में हम भी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप कंट्री में शामिल हो जाएं। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया है, और जितनी तेजी से भारत में इस प्रोजेक्ट को लेकर के काम चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत यूरोप और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट करेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन प्रोजेक्ट क्या है, कौन सी कंपनी भारत में हाइड्रोजन ट्रेन बनाएगी, और भारत के किस राज्य में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और कैसे बनाने के लिए किसी विदेशी कंपनी ने भारत के साथ डील किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट करने के लिए मेधा सर्बो और ग्रीन एच इलेक्ट्रोलाइसिस नाम की दो कंपनियों ने डील किया है। ये दोनों कंपनी हरियाणा में प्लांट सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, जहां पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि ग्रीन एच इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप में एक पॉपुलर कंपनी है, भारत में इसे टॉप कंपनी में गिना जाता है, और बताया जा रहा है कि स्पेन की कंपनी H2B2 इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके इस ग्रीन एच कंपनी को बनाया गया है। H2B2 स्पेन की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेधा सर्बो और ग्रीन एच ने प्रोडक्शन स्टार्ट करने की घोषणा कर दी है। यहाँ मेधा सर्बो ट्रेन बनाएगी, जबकि ग्रीन एच इन ट्रेन को पावर देने के लिए हाइड्रोजन स्टेशन सेटअप करेगी, यानी कि हाइड्रोजन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, ट्रेन को हाइड्रोजन कैसे सप्लाई किया जाएगा, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये सब कुछ ग्रीन एच कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाएगा। और गाइस आपको बता दें कि ये दोनों कंपनी भारत में हाइड्रोजन ट्रेन को जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारत सरकार भी देशभर में ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा किया था कि हमारी रेलवे में जल्द ही 35 हाइड्रोजन ट्रेन शामिल होने वाले हैं। इसे हाइड्रोजन फॉर हेरिटाइज प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जिसका टारगेट डीजल ट्रेन से होने वाले कार्बन इमिशन और पॉल्यूशन को कम करना है। जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तो एक ट्रेन का लागत 80 करोड़ रुपया और उसके ट्रैक का लागत 70 करोड़ रुपया तय किया गया था। आपको बता दें कि जब पहला हाइड्रोजन ट्रेन तैयार होगा तो उसे उत्तर रेलवे के जिंद से सोनीपत तक चलाया जाएगा। इसके बाद एक एक करके बाकी ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को कई फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से पहले फेज के अंदर ग्रीन एच 1 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर्स प्लांट सेटअप करेगा, जहां लगभग 420 किलोग्राम हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह प्लांट 24 घंटे ऑपरेशनल होगा। जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो उसे स्टोर करने के लिए 3000 केजी कैपेसिटी का टोटल स्टोरेज तैयार किया गया है। अगर हाइड्रोजन इंडस्ट्री की बात करें, इस साल 2023 में लगभग $170 बिलियन का रिजर्व हाइड्रोजन इंडस्ट्री से जनरेट किया गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2030 तक यह इंडस्ट्री $500 ट्रिलियन की हो सकती है। अगर दुनिया ऐसे ही हाइड्रोजन की ओर स्विच होती गई तो जल्द ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सकता है। अभी सिंगापुर और यूरोप ने भारत के साथ डील किया है, वो भारत से हाइड्रोजन इंपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब और UAE भी भारत से डील करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां जो कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में टॉप पर है, इसने भी हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड भारत से की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है तो इससे भारत को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि कई देश और कंपनी भारत से हाइड्रोजन फ्यूल खरीदने के लिए तैयार हैं, और चूंकि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए अभी से भारत को इस पर काम शुरू करना होगा, ताकि डिमांड बढ़ने पर हम भी आसानी से उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो गाइस ये थी हाइड्रोजन इंडस्ट्री की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत को हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आया तो एटलीस्ट कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।